वाराणसी के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भूत भैरव नखास ससुराल में अपनी बेटी माधुरी गुप्ता तथा उसके 2 वर्ष के बेटे को लेकर माधुरी के पिता पारसनाथ माधुरी के ससुराल पहुंचे। रास्ते में आते देखकर माधुरी के पति सुनील गुप्ता ऊपर चढ़ गया। परिवार के सभी लोग घात लगा करके बैठे थे। माधुरी ज्यों सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए चढ़ी, तभी ऊपर से माधुरी का पति सुनील गुप्ता माधुरी को सीढ़ियों से धकेल दिया। माधुरी को गिरता देख पिता पारसनाथ बचाने के लिए गए, तभी वहां सुनील गुप्ता, पुत्र नंदू, वाजय गुप्ता, संजय गुप्ता तथा 2 अज्ञात लोग मिलकर लाठी डंडा रॉड से मारकर पिता पारस को घायल कर दिया। किसी प्रकार वहां से जान बचाकर पारसनाथ थाना कोतवाली पहुंचे। वहां वहां मेडिकल मुआयना की रिपोर्ट दर्ज हुई। आपको नाम ज्ञान प्रकाश से एडवोकेट है, मैं इनका अधिवक्ता हूँ। और मामला देखिए, ये ताज़ा नहीं है। ये जो है इनकी लड़की है माधुरी गुप्ता, माधुरी गुप्ता के पेट में जब से बच्चा आया तब से उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। कभी मार पी, कभी मानसिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से, उनको दूध न देना, खाना पीना न देना, ये कई मरतबा हमारे पास आई। तो हम उनको लेकर के कोतवाली थाने गए। कोतवाली थाने में हीरा वाली करते, अरे चलिए हो जाएगा वकील साहब, मैनेज कर लीजिए, परिवार है परिवार है। और इतना दिन तक देखते देखते जो है परिणाम स्वरूप आज सुबह जब ये हमारे जो क्लाइंट हैं, ये अपने पुत्री को लेकर के अपने ससुराल आते हैं, इसके ससुराल आते हैं, ससुराल में जैसे ही एंट्री करते हैं तो इनका दामाद और दो दो भाई और उसके साथ 5 अन्य व्यक्ति पहले से घात लगा करके बैठे थे कि आएगा तो मारेंगे। तो जैसे ही ये दरवाजा खटखटाए, कुछ नहीं करते हुए तुरंत गाली गलौज, माँ बहन की भत्ती भत्ती गाली गुप्ता देते हुए ये जो एक मारपीट पर आमादा हो गए। इनको लाठी डंडा जिससे भी मिला उससे मारे। 1.5 माह का इनका बेटा है अभी, तो 1.5 माह के बेटे को भी उठा करके फेंक दिया गया। नमस्कार, मैं पत्रकार अजय कुमार श्रीवास्तव आज आयुक्त यहाँ कमिश्नर रहने पहुँचा हुआ हूँ। यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि एक शहरी की महिला को उसके पति के द्वारा, सास ससुर और अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो है मार पीट कर करके और उसके पिता को जख्मी कर करके और जो है लहूलुहान कर दी। और यहाँ तक कि मामला कोतवाली का है, मामला कोतवाली का है। कोतवाली में जब इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो है आज ये कमिश्नरेट में आए हुए हैं और जो है यहाँ पे इन्होंने ज्ञापन दिया। आगे देखते हैं क्या होगा, खबर देखने के लिए बने रहिए। कैमरामैन उदय चौहान के संग मैं अजय कुमार श्रीवास्तव वाराणसी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।